नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक जानकारी को लेकर। आज हम बात करेंगे काली चाय पीने के फायदों के बारे में। अगर आप दिन में एक कप से अधिक बार काली चाय पीते हैं तो यह इतनी भी हानिकारक नहीं होती जितना आप समझते हैं। काली चाय का सेवन करना हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो आइए जानते हैं काली चाय के सेवन करने से होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, रोजाना काली चाय पीने से मधुमेह यानी डायबिटीज का खतरा कम होता है। काली चाय में टैनिन और कैमिल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। यह हमारे पाचन तंत्र को सही करते हैं। काली चाय में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि कैंसर के खतरे को कम करने में मददगार है। रोजाना अगर आप काली चाय पीते हैं तो ऐसा करने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है और इस तरह से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। काली चाय का सेवन करने से किडनी स्टोन जैसी खतरनाक बीमारी भी ठीक हो जाती है। काली चाय से दांतों में होने वाली कैविटी खत्म होती है और बैक्टीरिया को दांतों के संपर्क में आने से रोकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि रोजाना ब्लैक टी पीना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इसमें मौजूद फाइटोकेमिकल्स आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसी के साथ अर्थराइट्स के खतरे को रोकता है। अगर आप अपने शरीर को वजन कम करना चाहते हैं तो ब्लैक टी इसमें कारगर साबित हो सकता है। इसमें काफ़ी मात्रा में सोडियम, कैलोरी और फैट पाया जाता है। ब्लैक टी आपके स्किन को निखारने में भी मदद करती है। आपको बता दें कि ब्लैक टी में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2 और कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जिससे आपकी त्वचा बेदाग और खूबसूरत बनती है। अगर बालों की बात करें तो ब्लैक टी बालों के लिए बहुत लाभदायक है। दरअसल इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों को मजबूती देते हैं। तो दोस्तों, ये थे ब्लैक टी यानी काली चाय पीने के फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।